बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे भोजपुरी स्टार पवन सिंह को भाजपा ने निष्कासित कर दिया है। बिहार प्रदेश भाजपा मुख्यालय प्रभारी अरविंद शर्मा ने बताया कि पवन सिंह के दल विरोधी गतिविधियों को देखते हुए पार्टी ने यह फैसला लिया है। काराकाट से भाजपा समर्थित एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में हैं। उसी क्रम में भाजपा ने पवन सिंह को एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने को दल विरोधी बताया और कहा कि इससे भाजपा की छवि धूमिल हुई है और पवन सिंह ने पार्टी का अनुशासन भंग किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त पवन सिंह को बीजेपी ने निष्कासित कर दिया है। हमारे साथ सहयोगी प्रियांशु इस मामले पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हुए। प्रियांशु, पवन सिंह के खिलाफ बीजेपी ने कार्रवाई की है, अब इस चुनावी माहौल में इस कार्रवाई से उनके चुनाव लड़ने पर कितना असर दिख रहा है? ये तो पहले से ही अनुमानित था कि पवन सिंह पे आने वाले दिनों में एक्शन हो सकता है, क्योंकि बीजेपी बार बार उनसे ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप अपना नामांकन वापस ले लीजिए, क्योंकि एनडीए प्रत्याशी वहां से दे दिए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद पवन सिंह वो अपना नामांकन वापस नहीं लिए। इसके विरोध में जाके बीजेपी आज ये लेटर जारी करती है और इन्हें आज पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। दिलचस्प मुकाबला नजर आ रहा है, जब बीजेपी ने निष्कासित किया पवन सिंह को और चुनावी मैदान में पवन सिंह हैं, उनकी मां ने भी पर्चा दाखिल किया है, उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद है, कितना दिलचस्प जंग वहां पर नजर आ रही है? तो अभी जैसे कि पहले से बताया जा रहा था कि अब ये जो काराकाट का सीट है वो हॉट सीट बन गया है, त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पे अब देखा जा रहा है, क्योंकि अब एक राजनीति के तहत एक रणनीति के तहत तो पवन सिंह अपनी माँ को भी पर्चा भरवाए थे, क्योंकि उन्हें ये डर था कि कहीं ना कहीं उनका नामांकन रद्द ना हो जाए। हालांकि उनका नामांकन रद्द नहीं हुआ, इसके बाद उनकी माँ वो भी वो वापस करवा ली, अपना नाम जो नामांकन उन्होंने भरा था वो वापस ले ली। तो अब आने दिन में देखा जा सकता है कि 1 जून को जो वोटिंग होने है वो कितना दिलचस्प रहता है, लोगों का क्या कहना है ये भी अब देखने वाली बात होगी, और इस पे पवन सिंह का क्या रिएक्शन आता है ये भी अब देखने वाली बात होगी। चलिए, इस पर अब पवन सिंह के रिएक्शन का इंतजार। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांशु इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब चुनावी मैदान में पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ ताल ठोकते हुए नजर आएंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने उन पर कार्रवाई की है, उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। हालांकि वो निर्दलीय, उन्होंने यहां से पर्चा दाखिल किया था, अब बीजेपी ने इसे अनुशासनहीनता माना है, चूंकि एनडीए ने वहां प्रत्याशी दिया और उसके बावजूद पवन सिंह ने वहां से पर्चा दाखिल किया और नॉमिनेशन वापस लेने बोलने के बाद भी उन्होंने वापस नहीं लिया। इन सबके बीच में उनकी माँ का भी नाम सामने आया, वो इसलिए स्टैंड बाई में उनका नॉमिनेशन कराया गया कि अगर पवन सिंह का पर्चा दाखिल होता है तो फिर वो वहां से चुनावी मैदान में रहेंगे, लेकिन पवन सिंह का पर्चा रद्द नहीं हुआ। तो ऐसे में अब चुनावी मैदान में पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा बचे हैं, उनकी मां ने अपना नामांकन वापस ले लिया है, लेकिन अब बीजेपी की इस कार्रवाई का उनके चुनावी मैदान में उतरने पर क्या असर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।